हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे, क्लास 9th मैथ्स प्रश्नावली 9.3। इस क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है तो हमें स्वयं बनाना है। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, एक ट्रेपेजियम है। तो पहले तो एक ट्रेपेजियम बनाते हैं। ए बी सी डी। अच्छा, ए सी एक डायगोनल, ए सी और बी डी डायगोनल्स हैं, तो इनको मिला देते हैं और ये दोनों ये डायगोनल्स हो गए। और ये एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये तो कहानी अभी तक है, ठीक है। ये दोनों आपस में समांतर हैं, ये इस तरह से है। हमें प्रूफ करना है कि एरिया एओडी ये बराबर है एरिया बीओसी के। ऑलराइट, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर आपको एक प्रॉपर्टी आती है तो। और वो प्रॉपर्टी ये है कि एक समान आधार पर बने जो त्रिभुज होते हैं उनके, और समान समांतर रेखाओं के बीच में जो त्रिभुज बने होते हैं उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। अब आप नोटिस करेंगे ए डी सी और बी डी सी, तो ये दोनों एक समान आधार पर बने हैं और दो समान समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं, तो इनके एरिया बराबर होंगे। तो देखो, हम यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी डी सी समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं और समान आधार पर बने हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इनके एरिया बराबर हो जाएंगे, इसीलिए एरिया ए डी सी बराबर हो जाएगा एरिया बी डी सी के, ठीक है। तो ये दोनों एरिया जो है बराबर हो गए। अब दोनों से हम इतना हटा देंगे, एरिया ए डी सी माइनस एरिया डी ओ सी एरिया बी डी सी माइनस एरिया डी ओ सी। तो जब इस पूरे में से इतना माइनस होगा तो इतना बचेगा एओडी। इसी प्रकार अगर इस पूरे में से इतना एरिया माइनस होगा तो क्या बचेगा, बीओसी। और ये प्रूफ हो गया, सिंपल। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।